जी नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग जी। और आज हमारा दरभंगा के लिए ट्रेन है। इस दिल्ली को हम लोग बाय बाय बोलते हैं। और जो पल मैंने बिताए दिल्ली में, बहुत मज़ा आया। और बहुत सारे सीरीज़ हमने मतलब किए, पंजाब से लेकर दिल्ली तक और फिर दरभंगा तक जो जाने वाला है उसका भी। तो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। और आप लोगों को कैसा लगा लास्ट में इस वीडियो में, कम से कम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। तो आशा करेंगे कि जैसे आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, ऐसे ही आने वाले प्यारे प्यारे ब्लॉग्स में बने रहें तो मज़ा आएगा। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग बहुत मतलब गंदा वाला लेट हो रहा है। और हमारा ये जो बैग है हमारा, वो पैक नहीं हो रहा है, पैक हुआ नहीं है। और ये बैग और वो बैग और वो बैग पैक हो चुका है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इस बैग को पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर अपने मंजिल की ओर। क्योंकि हम तो समझ रहे हो ना, मुसाफिर आदमी कहीं भी झूला उठा के चल देते। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। हम फाइनली इस रूम को छोड़ के निकल रहे हैं। बाय बाय। रूम तो बंद कर दें, थोड़ा सा भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा खोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये है हमारे गुरुजी सेल्फी लेते हुए। बाय भैया। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना, चलो। अब हम लोग फाइनली दिल्ली को छोड़ करके जा रहे हैं। क्या प्रभात, मजा आया भाई दिल्ली में? तुमको ही बताओ भाई। अरे गजब भाई, सेम हाल है। छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा हमको तो दिल्ली। तो घर है, घर में कैसे नहीं, सही बात है। नेक्स्ट टाइम बेटा, नेक्स्ट टाइम। चलो फिर एंट्री लेते हैं और विशाल भैया से मिलते हैं, जो कि हमारे तीसरे यात्री हैं। फाइनली अपना सामान ढोने के बाद, बहुत गंदा थक चुके हैं। ये देखो आधा सामान तो मेरा प्रभात भाई लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। प्लेटफॉर्म 13 चलते, प्लेटफॉर्म 13 पे, क्योंकि विशाल भाई हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं। चलो भाई, बहुत गंदा वाला थक गए हम। ठीक है, फिर मिलते हैं विशाल भाई के पास, पहले थोड़ा पानी वानी पी ले उसके बाद। लोग फाइनली विशाल भैया से मिल रहे हैं। विशाल भैया क्या चाल?
सबका हालत देख रहे हो एकदम थक गया ना प्रभात भाई, पसीना पसीना ठंडा में पसीना आ रहा है, समझ रहे हो भाई। समझ रहे हो गर्मी का फायदा इस कदर उठाया जा रहा है, एकदम हाफ पैंट में आते हमारे ट्रेन में चेंज कर क्या दिक्कत है। हम भी शॉर्ट टी शर्ट में आ रहे थे, आंटी बोली क्या नहीं शॉर्ट लगा लो आप, हम बोले गर्मी लग रहा है, पानी पानी है मेरे पास, रुक पानी दे। सीट पे बैठ रखे हाँ विशाल जनरल हो गया तो यार जनरल बन गया सही में, एसी एसी लगी नहीं रहा है हमको, एसी लगी नहीं रहा है पूरा जनरल लग रहा है। ठीक है फिर बहुत गंदा वाला थक चुके हैं, नाश्ता वास्ता कुछ किए नहीं थे, थोड़ी देर के बाद नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बाहर का सीनरी दिखाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। अब जो है वो फाइनली दिल्ली को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, फाइनली 6 घंटे के बाद हमारी ट्रेन रुकी है, देख लो समझ रहे हो बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम नहीं लेना। हाँ भाई ले ले जो मिल रहा है ले लो, फाइनली समोसा तो मिल रहा है हम लोगों को, नहीं एक दो ही ले, दो ही दे दो भैया दे दो, जो मिल रहा है बस ले लो। हाँ भैया 6 घंटे के बाद ये भी मिल रहा है बहुत बड़ी बात है, जो भी मिल रहा है खा लेंगे, मीठी चटनी नहीं है भैया आपके पास, कानपुर में समझ रहे हो बस समोसा से काम चलाना पड़ रहा है, जो जो हमें कानपुर से देख रहे देख लो आप लोग। अबे विशाल उधर भी कुछ रिएक्शन दो बेटो, फाइनली मीठी चटनी हमें मिल गई है, हमारी प्यारी चीज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है फिर खाना खाते हैं उसके बाद, तो खाना क्या समोसा खा रहे बस, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को शॉट के बाद। कानपुर से डायरेक्ट अब हमारी जो ट्रेन है वो रुकेगी एस बाग में, एस बाग से डायरेक्ट स्टॉपेज है हमके 10 बजे रात को भाई साहब, डायरेक्ट 10 बजे रात में, अब 10 बजे तक हमें यही खा के बिताना है समझ रहे हो। फाइनली अभी हम लोग पहुंचे हैं एस बाग, ये मेरा एस बाग स्टेशन पे शायद दूसरा बार होगा, और ये देखो एस बाग, और अभी शाम के बज रहे हैं 7:59, 8 बज गए हैं, और यहाँ छोला चावल मिल रहा है तो देखते हैं, वैसे तो ट्रेन कहीं रुकी नहीं थी बट यहाँ रुकी है तो थोड़ा छोले चावल जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तगड़ी वाली लगी है समझ रहे हो, तो फिर खाना वाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोग। तो भैया जी हम लोग पहुंच चुके हैं यूपी, और यूपी में आके स्टेटस ना लगा है यूपी वाला, तो समझ रहे हो कोई फायदा ही नहीं है भाई, तो यूपी वाला चाय पी रहे समझ रहे हो, रात के कितने बज रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, रात के 1 बज रहे हैं, यूपी वाला चाय तुम्हारा खत्म हो गया चाय, तो जल्दी पी लिया, यूपी का चाय तुमको इतना पसंद आ गया, और लेके आते। अरे गजब भैया तुम तो एकदम ढा गए यूपी में, आओ आओ चाय लेके आओ, भैया जी देख रहे हो यूपी का इतना चाय पसंद आ गया उन्हें।
एकदम दोबारा चाय मंगवा रहे हैं, समझ रहे हो, यूपी से प्यार जो है उन्हें। ठीक है फिर, यूपी के आगे देखते हैं, मिलते हैं कहाँ हम लोग। चलो फिर सुबह यार, हम लॉलीपॉप खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर, और समस्तीपुर से बस एक घंटा, उसके बाद फिर विशाल जी की तरफ से एकदम अमूल कूल पिलाया जा रहा है। क्या विशाल जी अबे मिल गया ना सुबह सुबह, वही बहुत बड़ी बात है। बुझाए फोन पे किए ना, इसलिए स्टाल लिया। थैंक यू भाई, आई लव यू सो मच, ये मुझे सुबह सुबह पिलाने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा, ये देखो। तब विशाल तुम्हारा ट्रेन कब है सीतामढ़ी का? 11 बजे। और तुम तो दरभंगा जा रहे हो, सामान का देख रहे हो। ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तो यह इस सफर, इस ब्लॉग में आप लोगों को कैसा लगा, कितना मज़ा आया इस ट्रिप पे, ये मुझे कमेंट करके इस ब्लॉग में कम से कम बता ही देना। मिलता हूँ मैं ऐसे ही प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए वेलकम टू वर्कआउट दादा, बाय।